जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ आपके भारत के संविधान से संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले साथ में कॉपी और पेन रख लें, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कॉपी और पेन। मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ कहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा ये भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में सबसे पहले पढ़ने से पहले साथ में कॉपी और पेन जरूर रखें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज जो क्लास होगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा जहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पीएससी में व्यापम में, ठीक है। अगर आप लोग आज का वीडियो देख लिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ बनती है। और वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा एक से दो बार, ठीक है। मैं फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए आज की जो क्लास है आपका राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 52, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो निर्वाचन मंडल आपका 54 में होता है आपका व्यापम में पूछा गया है। इसी प्रकार हाल ही में अभी एग्जाम हुआ था पीसी का, उसमें भी पूछा गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आर्टिकल नंबर 55 में, ये भी आपके व्यापम पीएससी में पूछा गया था। उसी प्रकार राष्ट्रपति की जो पद की योग्यताएं हैं आपका 58 में है। उसी प्रकार राष्ट्रपति का पद का जो ग्रहण है उसका अनुच्छेद है आपका 56 में है, ठीक है। याद रखिएगा, इसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल आपको लिख कर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कॉपी और पेन रख लीजिएगा अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका पीएससी हो चाहे व्यापम, उसमें आपको बहुत सारे एग्ज़ाम आ जाते हैं। पुलिस भर्ती हो गया, एडीओ हो गया, पटवारी हो गया, अमीन पटवारी हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं। अगर आज की जो क्लास है अगर अटेंड कर लिया, समझो आपका अच्छे से बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले कहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। और एक बात है कि आप लोग वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति जो आर्टिकल नंबर 54 है, इसको मैं बताने से पहले आपको संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो ध्यान से समझिएगा, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है आपका राष्ट्रपति में निहित होती है, आपका 53 में है, ठीक है। तो देखिए संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है आपको कौन सा में, राष्ट्रपति में निहित होती है। कॉपी रखिएगा साथ में, राष्ट्रपति में निहित होती है आपका आर्टिकल नंबर 53 में, ठीक है, 53 में। और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, नोट कर दीजिएगा, जो भी मैं टॉपिक बोल रहा हूँ उसको नोट कर दीजिएगा। चलिए पहला टॉपिक है भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, सेकंड टॉपिक है आपका, लिखते जाइएगा ना, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, जो आपका मंत्रिपरिषद है, ठीक है, जो आपका मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद मात्र, देखिए राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका होता है, जो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का, ठीक है, नाम मात्र का आपका कार्यपालिका होता है, ठीक है, कार्यपालिका होता है, नोट करते जाइएगा जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है आपका नाम मात्र कार्यपालिका होता है। यहाँ तक आपने क्लियर हो गया तो समझे, पहला टॉपिक क्या बताया था आपको, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, जो भारत है आपका, ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, कौन सा, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। दूसरा टॉपिक क्या बताया था, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, जो मंत्रिपरिषद है आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, ठीक है, उत्तरदायित्व है, नोट करते जाइएगा, एग्जाम में आता है ये,
तीसरा टॉपिक क्या बताया था आपको? तीसरा टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक है, जो राष्ट्रपति है आपका नाम मात्र, ठीक है, नाम मात्र कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका होता है। यहाँ से आपके तीन जो टॉपिक बताया हूँ यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है आपका आर्टिकल नंबर 53 में है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान देखेंगे जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 में पद की योग्यताएं क्या है, निर्वाचन कैसे होता है, उसका राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगती है, वेतन भत्ते क्या है, कहाँ से पूछा गया है, ये पूरी जानकारी बताऊँगा। विधायी शक्तियाँ क्या है, पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब राष्ट्रपति संबंधित देखते हैं। कॉपी पेन साथ में रख लिए क्या? चलिए नोट करते जाइएगा ना, राष्ट्रपति की जो संबंधित प्रावधान है आपका, ठीक है, राष्ट्रपति संबंधित जो प्रावधान है आपका आर्टिकल नंबर 52 में है। ठीक है, अब देखिएगा जो राष्ट्रपति देश का क्या होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रथम नागरिक। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल नंबर 54। ठीक है, आर्टिकल नंबर 54 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए, इसको नोट कीजिएगा ना, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए, ठीक है, निर्वाचन आपका आ जाएगा, निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, ठीक है, निर्वाचन मंडल, याद रखिएगा इसको, टॉपिक को नोट कीजिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है आपका 54 में, ये आपके राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य रहते हैं। कौन कौन से सदस्य रहते हैं नोट करते जाएगा ना, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के विधानसभा निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित होते हैं आपका, निर्वाचित सदस्य रहते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है, जो भी टॉपिक बता रहा हूँ एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एंड आर्टिकल नंबर 54 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन होता है आपका, निर्वाचन मंडल के लिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद है 55, नोट कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 55 में आपका दिया गया है कि देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है, क्या होता है आपका, निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है आपका एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, मत पद्धति, ठीक है, मत, एक मिनट ना, एक बार फिर से देखिए, आर्टिकल नंबर 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, ठीक है, समानुपातिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, मत पद्धति के द्वारा होता है। आपके व्यापम और पीएससी में पूछा गया है, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है आपका 55 में। ठीक है, 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से, ठीक है, नोट कीजिएगा, अब 56 आर्टिकल नंबर 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है अपने पद की, अपने पद ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक, कितने वर्ष, 5 वर्ष की अवधि तक की अवधि, ठीक है, इसको याद रखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। 56 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की 5 वर्ष की अवधि तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, धारण करेगा और अपने पद की समाप्ति के बाद भी, और ठीक है, अपने पद की समाप्ति के बाद भी अपने पद पर तब तक बने रहेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेता। यहाँ तक क्लियर हो चुका? चलिए अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका
राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है, ठीक है, पद का उम्मीदवार है कौन है आपका उम्मीदवार है, वो आपके 50 सदस्य, ठीक है, जो 50 सदस्य रहते हैं वो आपका प्रस्तावक होते हैं। क्या होते हैं? प्रस्तावक। 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है व्यापम का। उसी प्रकार आपका 54 में लिखा गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, ठीक है। 58 देखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता है 58, राष्ट्रपति संबंधी जो भी प्रावधान है। पद की योग्यता, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है पद की योग्यता 58 में। तो क्या क्या योग्यताएं होती है? वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हूँ, मैं आपको डिटेल लिखा रहा हूँ, ठीक है, लिखते जाइएगा। वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरा है 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। कितनी वर्ष? 35 वर्ष। एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं कितनी वर्ष है? 35 वर्ष, आपके व्यापम में पूछा गया था, ठीक है। और क्या है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए। चुनाव का लाभ के पद, देखिए तीसरे नाम है, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपने लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आते हैं हम लोग, इसके बाद है जो योग्यताएं हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। चुनाव के समय कोई भी पद का लाभ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है आपका? कि वो पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता हो। अब पांचवा पॉइंट क्या है आपका? लोकसभा निर्वाचन किए जाने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो आपका? योग्यता रखता हो। ये आपका आर्टिकल यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब देखेंगे सबसे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बताएंगे यहाँ पर। पहला, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, पूछा गया एग्जाम में, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। सेकंड नंबर में आपका कौन थे? एस राधा कृष्णन, ठीक है, कौन थे? एस राधा कृष्णन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था आपका? जाकिर हुसैन, इसके बाद ज़्यादा मत पढ़ना, जाकिर हुसैन, ये तीसरा पॉइंट तक याद रखना। लास्ट में यानी कि वर्तमान में अभी कौन है फिलहाल, कमेंट करके बताइएगा, राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन बने हैं कमेंट करके बताइएगा, जिनको मालूम है, ठीक है। अब राष्ट्रपति पद की जो महाभियोग है, राष्ट्रपति पद के जो महाभियोग है आपका, महाभियोग, ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 में, ठीक है, इस पर जो राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं, अतिक्रमण करने पर उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल नंबर में? 61 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देखेंगे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, ठीक है, वेतन एवं भत्ते, ठीक है, वेतन एवं भत्ते देखेंगे। तो चलिए, राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है 5 लाख रुपए, ठीक है, याद रखिएगा, कितना होता है? 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है 5 लाख रुपए, और वेतन आयकर से मुक्त होता है, जो आयकर होता है आपका वहाँ से आपका मुक्त होता है, ठीक है, आयकर से मुक्त होता है, और उसे निःशुल्क निवास स्थान भी दिया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको वेतन भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, ठीक है, वेतन भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। यहाँ तक क्लियर हुआ।
और राष्ट्रपति के लिए जो वार्षिक पेंशन होता है कितना होता है, वार्षिक पेंशन, ठीक है, वार्षिक जो पेंशन दिया जाता है ना, वार्षिक पेंशन दिया जाता है 9 लाख रुपए। कितना? 9 लाख रुपए, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको वेतन आपका 5 लाख रुपए दिया जाता है, जबकि उसका आयकर से मुक्त होता है। क्या होता है? आयकर से मुक्त होता है और किसी भी प्रकार का उसमें कमी नहीं की जाती, और वार्षिक पेंशन उनका 9 लाख रुपए होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हुआ? और देखिए, मैं अब जो बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर दीजिएगा। पहला पॉइंट है आपका धन विधेयक। आर्टिकल नंबर कौन सा पूछा गया? धन विधेयक। यह आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछता है धन विधेयक, आर्टिकल नंबर 110 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक, संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक। दूसरा है संचित निधि से, ठीक है, एक मिनट ना, हाँ चलिए, संचित निधि से व्यय करने वाला विधेयक कौन सा है आपका? आर्टिकल नंबर 117, ठीक है, 117 का 3 में, जबकि आपका राष्ट्रपति और दोनों सदनों के संयुक्त बैठन बुला सकता है। जो राष्ट्रपति होता है आपका तीसरा नंबर में, राष्ट्रपति दोनों सदनों का, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन सा आर्टिकल नंबर में? 108 में, याद रखिएगा, 108 में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुला सकता है, है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, इस नोट करते जाइएगा जो टॉपिक बता रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 123, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश, एक मिनट, चलिए, आर्टिकल नंबर 123 है आपका अध्यादेश जारी करना, ठीक है, क्या करना? अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ, देखिए अब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है, एक मिनट ना, कमेंट ना करें, राष्ट्रपति से जो भी आपका आपातकालीन शक्तियाँ हैं, तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रपति के शक्तियाँ देखेंगे, ठीक है, शक्तियाँ यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ भाग 18 एग्जाम में पूछा गया था, भाग 18 आपका व्यापक में पूछा गया था, राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं भाग 18, आर्टिकल नंबर 352 से, ठीक है, आर्टिकल नंबर 352 से 356 तक लिया गया है, याद रखिएगा ये जो टॉपिक बताया हूँ। राष्ट्रपति की जो शक्ति है आपातकालीन, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 356 तक लिया गया है। तो देखिए आप नोट करते जाइएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपातकालीन शक्ति 352 एग्जाम में पूछा है कि युद्ध या बाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, युद्ध या बाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात उत्पन्न। 354 कहता है आपका, 354 है आपका, एक मिनट ना, ये 352 से एक गलती हो गया, 352 से 360 है ना, सॉरी एक मिनट, गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, सुधार लियो, है ना, सुधार लियो कॉपी में, 352 से 360 तक है जो आपकी विधायी शक्तियां हैं, ठीक है, जो आपका आपातकालीन शक्ति से संबंधित है। तो 352 आपको क्या बताया था? युद्ध, बाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, ठीक है। उसके बाद 356 में जो है आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है, क्या है आपका? राष्ट्रपति शासन, जबकि 360 में
आपका आ जाएगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, आपातकाल ये आपके तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई ना कोई हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा जो आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक है, यहां तक कितने लोगों को क्लियर हुआ? 352 में युद्ध, बाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। 356 है राष्ट्रपति का शासन। 360 आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा। ठीक है, तो कल हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति से प्रधान देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आर्टिकल नंबर 63 से। ठीक है, राष्ट्रपति संबंधित जो भी प्रावधान था आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेकर कितना है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्लियर हुआ? 52 से 62 तक। देखिए संघ जो कार्यपालक शक्ति होता है आपका 53 में राष्ट्रपति, ठीक है, संघ जो कार्यपालक शक्ति हो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। डेली क्लास करने के लिए समय के बारे में बात करें तो जो लोग हॉस्टल वार्डाना, एसआई भर्ती, एडीओ, अमीन पटवारी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अगर उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो समय आपको बता रहा हूँ मैं, रात 8:30 से लेकर 9:30 बजे। ठीक है, डेली क्लास रिकॉर्डेड अपलोड किया जाता है। अगर आप लोग तैयारी करना ही चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, डेली क्लास करते रहिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।